नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम की अगर बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, सरकार द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था कि सबको जो है ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है, एनुअली जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब रिटर्न सिस्टम भी जो है वो फुलफिल करना पड़ेगा। लेकिन इसी में ये देखने को मिला कि काफ़ी सारे अभी भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम में प्रॉपर्टी डिटेल्स जो हैं वो सबमिट नहीं करवाई हैं। तो आपको बता दें कि सरकार ने अब उनके लिए एक फाइनल नोटिस जो है वो जारी किया गया है और इसी में लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी ये कही गई है। जितने भी डिफॉल्टिंग वर्कफोर्स है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं भरी हैं, अब उन्हें एक और मौका जो है सरकार की तरफ से दिया गया है कि जल्द से जल्द अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है वो उस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर जो है फिल करें। और इसको जो है आपको बता दें कि 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जो है फिर से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है, जहां पर जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स की फुलफिलमेंट नहीं की और जिन्होंने रजिस्टर करवाया है लेकिन डिटेल्स नहीं फिल की, तो वो अपना जो पूरा प्रॉपर्टी डिटेल्स का सिस्टम है वहाँ पर जाके फुलफिल कर सकते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर फिर से जाकर चेक करके भर सकते हैं। क्योंकि अगर बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, तो पिछले साल दिसंबर 22 को जो है ये नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जहाँ पर कहा जा रहा था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स जो है इस ऑनलाइन पोर्टल यानी जो PRS पोर्टल, प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम पोर्टल बनाया गया था, इस पर जो है फुलफिल करनी पड़ेगी। और इसी में पहले जो है डेट दी गई थी कि जो है 31 जनवरी तक 2022 जो है लास्ट डेट डिसाइड की गई थी, लेकिन उसके बावजूद यही देखने को मिला कि काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ थे जिन्होंने अपनी डिटेल्स जो है फुलफ़िल नहीं की थी, जिसको लेकर एक बार फिर से उस टाइम जो है डेट एक्सटेंड की गई थी। और आपको बता दें कि एक्सटेंडेड डेट जो है वो 15 फेब जो है 2022 की गई थी, लेकिन इसी में अभी भी काफ़ी सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन तो करवाई है लेकिन उसमें डिटेल्स यानी कि जो प्रॉपर्टी डिटेल्स की जितनी भी सबमिशन है, जितनी भी डिटेल्स वहाँ पर इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो पूरे तरीके से नहीं भरी है। और इसी के साथ साथ जितनी भी प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम की अगर बात करते हैं कि एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न कितना है वो भी पूरी डिटेल्स जो है उसमें फिल करनी पड़ेगी। फिलहाल ये जो फाइनल नोटिस जो है जारी किया गया है ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ यानी डिफॉल्टिंग वर्कफोर्स जितनी भी बची है जिन्होंने अभी भी इस प्रॉपर्टी रिटर्न सिस्टम की जो फुल पूरी डिटेल्स हैं वो नहीं भरी हैं, जाकर जो है इस ऑनलाइन पोर्टल पर भर सकते हैं। और काफ़ी सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर मांगी गई है उसको पूरा भरना है। जितने भी डिटेल्स हैं एनुअली अगर बात करते हैं, प्रॉपर्टी डिटेल्स की अगर बात करते हैं या सैलरी डिटेल्स की बात करते हैं, तो उसे पूरे फॉर्म को भरना है। और ऑनलाइन ये फॉर्म जो है मिल रहा है, PRS जो है इस पोर्टल का नाम है जिसमें हमें जाकर सारी डिटेल्स भरनी है। तो एक बार फिर जो है ये डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है ताकि 22 मार्च से लेकर 28 मार्च तक जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ये प्रॉपर्टी डिटेल्स नहीं भरी हैं वो जाकर भर सकते हैं। और ये लास्ट टाइम है क्योंकि फाइनल नोटिस जारी किया गया है जिसका नाम भी लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी कहा है कि सरकार की तरफ से जितने भी वर्कफोर्स है जिन्होंने, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ये नहीं भरा है, वो जल्द से जल्द जाकर जो है अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स भरे, रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। और जिनकी डिटेल्स नहीं भरी हैं, सिर्फ रजिस्टर हुए हैं, वो भी एक बार फिर से अपनी डिटेल्स जो है पूरे तरीके से जो है फुलफिल करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।